गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12th में प्रीवियस वीडियो में किसके बारे में पढ़ा था? कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि मोनोप्लोइड है, डिप्लोइड है, हैप्लोइड है। अब कुछ नेक्स्ट टर्म है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्स क्रोमोसोम। पढ़ना क्या है हमें? सेक्स डिटर्मिनेशन किस किस के अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, रेप्टाइल्स के अंदर भी, बर्ड्स के अंदर भी। हमें क्या पढ़ना है? सेक्स डिटर्मिनेशन की, सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने से पहले कुछ टर्म पढ़ने पड़े हम, कौन कौन से? सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होंगे? कि वे क्रोमोसोम जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करेंगे? सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। तो उनको क्या बोलेंगे हम? सेक्स क्रोमोसोम। कि जिन क्रोमोसोम्स के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर किसका डिटरमिनेशन होगा? सेक्स का डिटरमिनेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सेक्स क्रोमोसोम। इसके अलावा जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होंगे, किसको छोड़कर? सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर जितने भी नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, जो कोई भी करेक्ट क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? ऑटोसोम्स बोलेंगे। अब क्रोमोसोम के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप के होते हैं? एक होमोमोर्फिक। होमोमोर्फिक ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? कि जिनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कि सेक्स क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट होंगे? पेयर के अंदर। और वो कैसे होंगे? सिमिलर टाइप के। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्रोमोसोम है किसके अंदर होता है? वुमेन फीमेल्स के अंदर। जेड जेड है किसके अंदर? मेल बर्ड के अंदर। तो ये सब कैसे हो गए हमारे? होमोमोर्फिक ऑर्गेनिज्म। कैसे? होमोमोर्फिक, इसके अंदर दोनों सेक्स क्रोमोसोम क्या है? सिमिलर है। इसके अपोजिट हेट्रोमोर्फिक। हेट्रोमोर्फिक क्या होगा? जिनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई, वुमेन मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक क्या होगा? वाई होगा। दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। जेड डब्ल्यू बर्ड्स के अंदर, फीमेल बर्ड के अंदर एक क्रोमोसोम क्या हो गया? जेड। एक क्या हो गया? डब्ल्यू। दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो क्या होंगे? हेट्रोमोर्फिक। इसके अलावा कुछ टर्म जैसे कि होमोगैमेटिक। होमो का मतलब सेम, गैमेटिक का मतलब गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनाना। कि जिनके अंदर जो गैमेट बनेंगे दोनों क्या बनेंगे? सेम गैमेट। और सेम गैमेट किसके अंदर बनेंगे? होमोमोर्फिक के अंदर। तो मान लो एक होमोमोर्फिक ऑर्गेनिज्म ले लिया, इसके अंदर क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन। तो मियोसिस होगा, तो दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम इस गैमेट के अंदर आ गया, एक इस गैमेट के अंदर आ गया। दोनों गैमेट्स कैसे हो गए? सेम हो गए। तो कंडीशन क्या बोले हम? होमोगैमेटिक। इसके अपोजिट में हेट्रोगैमेटिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट, गैमेटिक का मतलब गैमेट्स। कि जिसके अंदर गैमेट्स क्या होंगे? डिफरेंट्स होंगे, उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेटिक। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया? हेट्रोमोर्फिक एक ऑर्गेनिज्म ले लिया, यहाँ से क्या होगा? मियोसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगी। तो एक एक्स इस गैमेट के अंदर गया, वाई इस गैमेट के अंदर। तो दोनों गैमेट के अंदर क्रोमोसोम क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो कंडीशन कैसी होगी? हेट्रोगैमेटिक। तो ये क्या थी? कुछ टर्म्स थी। अब इसके बाद क्या है? क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। कि सेक्स के लिए क्रोमोसोम का डिटरमिनेशन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो क्रोमोसोम है उसकी डिस्कवरी के बारे में, तो एक साइंटिस्ट आए थे, कौन? हैंकिंग। हैंकिंग ने कब? 1891 के अंदर क्या देखा था? एक्स बॉडी का। कि उन्होंने जो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई का क्या लिया? स्पर्म लिया। और स्पर्म के अंदर क्या देखा उन्होंने? एक कोई भी एक्स बॉडी देखी। एक्स बॉडी का मतलब अननोन बॉडी। और उस अननोन बॉडी क्या नाम दे दिया उन्होंने? एक्स बॉडी। तो उन्होंने सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम से पहले किसकी डिस्कवरी की थी? एक्स बॉडी की। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, कौन? स्टीवंस। 1902 के अंदर उन्होंने क्या क्या था? वाई बॉडी का डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले एक्स बॉडी और वाई बॉडी की क्या की गई? डिस्कवरी की गई। उसके बाद इनको क्या नाम दिया गया? जो क्रोमोसोम थ्योरी हो सेक्स डिटरमिनेशन, उसके बेस पर इसको क्या नाम दिया गया? इस एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम और वाई बॉडी को क्या नाम दिया गया? वाई क्रोमोसोम। कब दिया गया था? 1905 के अंदर। किसने दिया था? दो साइंटिस्ट थे, कौन से? विल्सन एंड स्टीवंस ने। जब 1902 के अंदर क्या आई थी, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन आई थी, कि कोई भी क्या है क्रोमोसोम से जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या होते हैं? पास आउट होते हैं। तो उस थ्योरी के बेस पर उन्होंने क्या दिया? इस एक्स बॉडी को क्या नाम दे दिया? एक्स क्रोमोसोम। और वाई बॉडी को क्या नाम दे दिया? वाई क्रोमोसोम। तो इस तरह क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद एक साइंटिस्ट मैक क्लग, इन्होंने कब अपनी डिस्कवरी कब की थी? 1902 के अंदर ही। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर कौन सी? एक फीमेल ग्रास होपर, एक कौन सा? मेल ग्रास होपर। तो फीमेल ग्रास होपर के अंदर उन्होंने क्या देखा कि जो क्रोमोजोम है कितने हैं? 24 क्रोमोजोम प्रेजेंट है।
लेकिन मेल के अंदर एक क्या था, अब्सेंट था, कितने परसेंट थे, 23 क्रोमोजोम्स परसेंट थे। तो इस तरह क्या की गई थी, क्रोमोजोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो अब सेक्स डिटर्मिनेशन किसके अंदर करना है, हमने वुमेन बींग्स के अंदर। तो वुमेन बींग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन इन वुमेन्स, तो सबसे पहले वुमेन्स बींग्स के अंदर किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, एक्स एक्स और एक्स वाई, किस किस में होगा ये एक्स 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 वाई, फ्रूट फ्लाई के अंदर भी होगा, मैमल्स में भी होगा, ह्यूमन बींग्स के में भी, कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, एक्स 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 वाई। जो ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर फीमेल कैसी होगी, फीमेल होगी होमोगैमेटिक, यानी कैसी होगी, होमोमोर्फिक होगी और होमोगैमेटिक होगी, कि सेम क्या होंगे, सेक्स क्या होंगे, सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे, और ऐसे गैमेट बनेगा तो क्या बनेगा, सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे। इसके अलावा मेल कैसा होगा, हेटरोगैमेटिक, कि दो डिफरेंट टाइप के क्या करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक एक्स क्रोमोजोम एक वाई क्रोमोजोम्स। और जो इनकी शेप है कैसी होगी, ये किसकी शेप होगी, एक्स क्रोमोजोम की, तो फीमेल में कैसा है, होमोगैमेटिक है, क्या है दोनों, एक्स क्रोमोजोम, मेल में क्या है, एक एक्स, तो एक्स क्रोमोजोम तो कैसा होगा, ऐसा होगा, वाई क्रोमोजोम कैसा होगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हुक टाइप में हो जाएगा, ये क्या है, वाई क्रोमोजोम। तो ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा ह्यूमन बींग्स में, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो प्रोजेनी होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। तो सबसे पहले ह्यूमन्स के अंदर कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे, 46 क्रोमोजोम, या क्या बोल सकते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। 23 पेयर का मतलब 23 क्रोमोजोम कहाँ से आएंगे, फादर से, और 23 कहाँ से आएंगे, मदर से आएंगे। सिर्फ एक क्रोमोजोम ही क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, ये जो एक पेयर है क्रोमोजोम का वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि सेक्स क्या होगा, सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। तो इनके अंदर हमने क्या कहा, यहाँ पर एक पेयर क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि सेक्स क्या होना, तो उस एक पेयर क्या बोलेंगे हम, सेक्स क्रोमोजोम्स। जो बाकी के 22 पेयर्स बच गए, 22 पेयर या क्या बोलेंगे इसको, 44 क्रोमोजोम, वो क्या है, नॉर्मल क्रोमोजोम है, नॉर्मल क्रोमोजोम क्या बोलेंगे हम, ऑटोजोम्स। तो 22 पेयर क्या होंगे, ऑटोजोम्स होंगे, 1 पेयर क्या होगा, सेक्स क्रोमोजोम, और सेक्स क्रोमोजोम में क्या होगा, डिफरेंस होगा 1 पेयर या 2 क्रोमोजोम्स।